guy is asking me. Hi. About the play. I haven't seen the play, so I don't know much about it. So. जी. Last show है क्या बोला? Last over. Last over. हाँ, okay. जी राकेश बेदी आनंद महादेवन जी देर ऑल सीनियर्स इन द इंडस्ट्री तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. मैंने कभी थिएटर किया नहीं है तो मैं कभी कभी प्लेस देखती हूँ तो यू नो कॉमिक टाइमिंग ये वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं ज़्यादा मैं प्लेस देख नहीं पाती हूँ तो आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस. यस I'm not a sure. I don't know. मैंने कभी किया नहीं so I'm not a sure कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कि क्या है because it takes a lot of time, lot of rehearsals and everything. और तारक मेहता के शूट से तो हमें ऐसा छुट्टी नहीं मिलती है. मुझे बाहर जाने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती है तो प्लेस करना तो ऑलमोस्ट दूर की बात है. बट येस नेवर से नेवर इफ इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो शायद डेफिनेटली मैं एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी. It's not a play. It's a book. It's a book. It's a column. It's a column. जी पर मुझे as an actor we know that it's on a column. So yes. You know what? मैं पहले बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखती थी. वसीम अकरम, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, इन लोगों की मैं बहुत बड़ी फैन थी. स्टीव वॉ, मार्क वॉ, इन लोगों की. बट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है देखना क्रिकेट. और आई पी एल वो जब भी देखती हूँ मुझे अभी ऐसा फील होने लगा कि इट्स ऑल मनी मेकिंग बिजनेस. बट वो स्पिरिट ऑफ द गेम कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गई है. बट द लास्ट इंडिया पाकिस्तान आई डेफिनेटली डिड वॉच. पूरा नहीं देख पाई हूँ. एंड एंड का मैंने देखा था एंड इट वॉज वन ऑफ द फैंटास्टिक मैचेस दैट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू यू नो ईयर्स एंड एवरीथिंग. अदर देन दैट उतना नहीं देखती हूँ मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट. या थैंक यू. सी यू. बाय. हाँ जी.